अस्सलाम वालेकुम। आइए आज हम बनाने जा रहे हैं छोले पूरी या भटूरे। ये देखिए, मैंने इसके लिए लिया है 250 ग्राम चने, जिसको मैंने पहले से ही उबाल के रख लिया है। और उबालने से पहले हमें 4 से 5 घंटे भिगाना चाहिए, जिससे चने अच्छी तरह से उबल जाएंगे। और ये मैंने 3 आलू लिए हैं, जिसको मैंने उबाल लिया है। और 2 प्याज, और ये 3 टमाटर, इसको भी मैंने ग्राइंड कर लिया है। और ये देखिए मसाले, ये अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये मसाले लिए हैं मैंने। आधा चम्मच मिर्ची पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी, और 1/2 चम्मच ये गरम मसाला, एक चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच नमक, और ये 1/4 चम्मच काला नमक, और ये 1/2 चम्मच ज़ीरा पाउडर, और ये देखिए मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। और ये बेहद ज़रूरी है, ये है छोले मसाले, 2 चम्मच छोले मसाले है ये। मैंने एक कढ़ाई लिया है, इसमें 4 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। ये देखिए तेल गरम हो चुका है हमारा। अब इसमें हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे। थोड़े से दालचीनी के टुकड़े, 2 तेज़पत्ता, और ये हम प्याज का पेस्ट जो बना लिए थे वो डाल देंगे। और ये इमली का, वो टमाटर का, सॉरी, इसको हम अच्छी तरह से भूनना चाहिए। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 मिर्ची पाउडर, ये हल्दी, ये ज़ीरा है, ज़ीरा पाउडर, और ये काला नमक, और ये नमक है, और ये 1 चम्मच चाट मसाला, ये 1/2 चम्मच गरम मसाला है। ये सब, इसके बाद हम ये डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये सब मसाले हमें अच्छी तरह से भूनना है, ताकि प्याज और टमाटर की बो जाए। ये देखिए मैंने आटा रेडी कर रहा है, 1/2 घंटा पहले से ही भिगा दिए हैं। आटा अच्छी तरह से भीगना चाहिए, इसके लिए मैंने लिया है 1 कटोरी आटा, 1 कटोरी मैदा, और 1/2 कटोरी रवा, और 1/2 कटोरी तेल डाला था उसमें मैंने। ये आलू जो बना के रखा था हमने वो डाल देंगे। एक 2 हरी मिर्च, हरी मिर्च का टेस्ट भी आता है। और अब हम चने डाल देंगे।
चनों में पानी है, हम पानी के साथ ही डाल देंगे। अब इसे हम कम से कम 10 मिनट तक लो फ्लेम पर रखना है। और ये देखिए, ये छोले मसाला, ये बहुत ज़रूरी है। ये छोटे छोटे पैकेट्स भी मिल जाते हैं बाज़ार में। इसे हम लो फ्लेम पर 10 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे। इस पर कोथमीर डालेंगे। ये देखिए, इसे ढाप कर रख देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। ये देखिए, हमारे छोले रेडी हो गए हैं। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। ये बहुत ही लजीज डिश है। थोड़ा सा सजा लेंगे हम। अब हम पूरी की तैयारी करते हैं। हमें छोटे छोटे पेड़े बना के रख लेंगे। देखिए, आटा अच्छी तरह से गूंदा हुआ है। अब हम इसे तेल लगाकर ही बेलेंगे। इसे आटा लगाने से तेल जो है पूरी का, वो जल जाता है, काला हो जाता है, इसीलिए हम तेल लगाकर ही बेलना चाहिए। थोड़ी मुश्किल होती है पर तेल ख़राब नहीं होता। देखिए, हम थोड़े बेल कर इसी तरह रख लेंगे, फिर तलना शुरू करेंगे। देखिए, हमारा ये तेल भी गर्म हो चुका है। अब इसमें हम पूरी डालेंगे। पूरी डालने के बाद थोड़ा सा दबाना चाहिए ऐसा, जिससे पूरी अच्छी तरह से फूल जाती है। देखिए, देखिए हमारी पूरी कितनी अच्छी तरह से फूल गई है। इसी तरह हम पूरी पूरियां तल लेंगे। अगर मेरी रेसिपी आप लोग को पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।
अगले रेसिपी तक अल्लाह हाफिज़।